हमारे लिए सही कानून बनाने चाहिए और हर अत्याचारी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इमरजेंसी कंडीशन में कोई आपके साथ हो ना हो, संजीवनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर हमेशा आपके साथ है। 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं और सभी टीपी एवं मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना द्वारा कैशलेस इलाज उपलब्ध। संजीवनी हॉस्पिटल, सिविल लाइंस, अजमेर। मैं प्रिंसिपल सोफिया कॉलेज आपको धन्यवाद देती हूँ आपके सहयोग के लिए। आज सोफिया कॉलेज से कलेक्ट्रेट तक महिला सुरक्षा रैली का आयोजन किया, जिसमें 2500 से 3000 सिटीजन्स ने पार्ट लिया। अन्य स्कूल के बच्चे आए थे, उसके अलावा अन्य एनजीओस के संस्था से लोग भी हमारे जुड़े, परिवार के लोग, अजमेर शहर के लोग भी हमारे साथ जुड़े और अपना आक्रोश और उन्होंने अपना दुख व्यतीत किया है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि कैसे महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न किया जा रहा है, घरेलू हिंसा, रेप, डोमेस्टिक वायलेंस और अन्य उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। और हमारी यही मांग है कि महिला सुरक्षा को लेकर हम अलग स्टेप्स उठाएं। हमने अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए हमारे कलेक्टर महोदया को हमने ज्ञापन दिया है कि कड़ी से कड़ी लॉज बनाए जाएं, ताकि जो विक्टिम्स हैं उन्हें जस्टिस मिले और जल्दी मिले। इसके अलावा सुरक्षा के उपाय सिखाए जाएं महिलाओं को और पेट्रोलिंग व्हीकल्स भी मिले, जहां पर अंधेरे स्पॉट्स हैं अजमेर में वहां पर लाइट्स लगाए जाएं और पेट्रोलिंग वैन्स लगाए जाएं, ताकि महिलाओं की सुरक्षा के बारे में हम सोच सकें और कुछ निष्पक्ष निकले। इसीलिए आप सबों से हमारा यही निवेदन है, जहां पर भी एक महिला असुरक्षित हो, आपकी बेटी हो या किसी दूसरे की बेटी हो, मेरी यही अपील है, आगे आकर आवाज़ उठाएं, उसको सपोर्ट दें, उनका सहयोग करें, ताकि हर अजमेर की बेटी, बहू और हर एक भारत की बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। इसीलिए सबों से मेरा यही निवेदन है कि हम महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत ही सीरियस हो और आगे हमारी बेटियों को बहुओं को सुरक्षित महसूस कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रोफेसर सिस्टर पर्ल, प्रिंसिपल सोफिया गर्ल्स कॉलेज अजमेर, मैं मीडिया को धन्यवाद देती हूँ कि आपने बहुत अच्छा कवरेज दिया और हमारा ये जो मिशन है आपने पूरे शहर के साथ आपने बांटा, तो मुझे जी मैं किस विषय को लेकर के आज रैली निकाली? सर, हम गर्ल्स की सेफ्टी मांगने आए हैं। जी सर, अगर गर्ल्स बाहर निकल रही है तो उनको सेफ्टी मिलनी चाहिए। वो ये नहीं चाहिए कि यार मैं घर से बाहर निकल रहूँ, क्या होगा मेरे साथ, अभी ये हो गया। उनके दिमाग में बहुत गंदे थॉट्स आते हैं, तो हमारे को फुल सेफ्टी चाहिए। सरकार ने योजना चला रखी है बच्चों, क्या मांगते हैं सरकार? सर, एक तो ट्रैवलिंग की, अगर ट्रैवल कर रही है तो वो उनको बिल्कुल फुल सिक्योर होनी चाहिए कि उनके साथ सेफ्टी मिले बिल्कुल उन्हें। पूजा दास देना, सिर्फ भारत की ही नहीं, हर मुल्क की महिला को सुरक्षा देना, उन पर अत्याचार ना होना, हमें न्याय देना, हमारे लिए सही कानून बनाना। इस गवर्नमेंट को हमारे लिए सही कानून बनाने चाहिए और हर अत्याचारी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम रैली के माध्यम से लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि महिलाओं की पुकार सुने, हमारे अत्याचारों को जो हमारे साथ हो रहा है, तो गवर्नमेंट को कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए, हमारे लिए नए से नए कानून बनाने चाहिए, जिससे इन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिली जाए।